भैया राम का आप और देख रहे बुंदेली चुगली हम है राजेंद्र तेली मचो का है चाहे जौन विभाग में जाओ जहां जाओ है तो वही भ्रष्टाचार कोल खा के बैठे अपने लुगाई लड़कन को बाल बच्चन को कोल खा के बैठे कि जो लो हम भ्रष्टाचार ना कर भी जो लो हम कोनो काम ना जो लो रिश्वत ना मिले जय स्थिति हो गई छतरपुर की। जो मामला है भैया अब इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनो भैया बताओ का नाम सर मेरा नाम रमेश साहू। रमेश का प्रॉब्लम है सर मैंने विधवा विवाह किया था कल्याणी से सर जे जैतपुर की रहने वाली हैं मैं ग्राम पीरा से और सर इसकी राशि 2,00,000 रुपए मिलती है इनके 4 बच्चे भी हैं एक 6 साल की बिटिया है एक 10 साल की 2 लड़के हैं तो सर मैं गया था यहाँ तो खान बाबू बोले कि 1,00,000 रुपए की मुझे को चेक दो और 181 से सीएम हेल्पलाइन से शिकायत भी कटवाओ जी इंसा अल्लाह खान के नाम से नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा चाहे जहाँ सुना लेना। बाबूजी को नाम क्या है? इंसा अल्लाह खान। जो है भैया बहुत अच्छा शब्द है जो इस शब्द को गलत इस्तेमाल देखो कि जब कोनो काम शुरुआत करी जात मुस्लिम धर्म में या मान लो कोनो काम खा करो जात के हम तुमसे मिल भी या अभी कछु भी है तो जैसे अपने कहते भगवान जाने भैया इंशाल्लाह तकदीर में हुई है तो मिल भी दोबारा मिल भी भैया इंशाल्लाह जो काम होने नहीं होने के तो इंशाल्लाह भगवान के ऊपर छोड़ दो और इनको नाम ही है इंशाल्लाह। अब देखो जब खाज कैसी भी 2,00,000 रुपया ब्याह की मिलत जो कानून है सरकार को बनाओ कि ऐसे ब्याह जब हुए थे पूरे कंप्लीट हैं ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत हो तो पूरे कागज बना लिए पहले इनने मैंने 181 पे शिकायत किया तो इनने पहले बोला हो जाएगा काम कोई दिक्कत नहीं फिर मैं ज्यादा पीछे पड़ गया तो जो बोले कि आपका ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र नहीं है भर का शपथ पत्र नहीं है कल्याण के खाते नहीं सर मैंने कल्याण का खाता खुलवाया तो पहले बोले जॉइंट खाता चाहिए तो मैंने 3,000 रुपए कर्ज उठा के फिर खुलवाया खाता फिर बोले सिंगल खाता चाहिए तो फिर मैंने ग्रामीण मध्याचल में फिर खुलवाया अब हो जाएगा बोले जब रिश्वत दोगे 1,00,000 रुपए जब चेक चाहिए मेरे को और खाता खुलवा के ATM पासबुक और चेक बुक यहीं रखो जब पैसा तुमने जो नहीं कही कि ब्याह तुमने करो कि हमने करो हमने ब्याह करो सो 2,00,000 हमारे के कमाए सर जो हमने कही थी वे तो कह रहे थे कि कछु बना के तो नहीं लिया है तुम हमने देखो ना ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र हमारे हाथ में देखो ना बाकायदा रजिस्टर गाँव वालन के भाई कह रहे लोकल शादी की है भाई साहब और हमारे पास में कम से कम 20-25 आदमी के वो भी है गांव से नाम भी लिखे हैं कि हाँ इनने शादी की है लिखे भी कह रहे रोके शादी की है कुल मिला के झोल वही है भैया कि 1,00,000 भर दो सो शादी तुम्हारी सही है सब कुछ सही है गवाह मिल गए सब हो गए पैसा ना दो सो तुम्हारा सब कुछ गैर कानूनी है जो है और कहो उनको कहा कि अगर रुपया ना दो तो चाहे तुम 181 में जितनी शिकायत कर लो चाहे जांच सुनवाओ लेकिन रुपया ना मिले हम कुछ ना 28 सितंबर से मैं प्रतिदिन 181 पे 4-5 बार कॉल करता हूँ ठीक है तो बोले के अभी लेवल अधिकारी के पास है आपकी कार्रवाई चल रही है सर इतना बोलते हैं भाई सर कुछ नहीं और मेरा तहसील है ग्राम पीरा जिला छतरपुर और तहसील राजनगर सर गोरीहर तहसील से जो शिकायत डाले ये लोग ये है गोरीहर थोड़ी लगती है सर बेजारत की तहसील बताओ आप जो है भैया 420 मतलब इन लोगों को हर प्रकार से जनता को छला बहुरो जनता के संगे धोखा करो जा रहा है। अब उम्मीद है ये भैया कि नए कलेक्टर साहब आए हैं तो व्यवस्था में सुधार हुई है जनता खां कछु आराम मिल है और इंशाल्लाह बाबूजी जहां भी हों अगर देख रहे हो खबर या ना देखी हुए तो देख लें तो जो जरूर है कि जो लो तुम रुपया ना दे तुम्हारी खबर हम लगा उतरे रुपया तुम्हें देने पर है तुम्हारी जेब को नहीं जा रहा ना तुम जा रहा सरकार को जा रहा और तुम्हें रिश्वत भी ना मिले जो भी सुनो बुंदेली चुगली लो जो खबर है बुंदेली चुगली खबर चला है उखा इंसाफ देवा है रिश्वत को करो सवाल ही नहीं है 2,00,000 रुपया ब्याह उन्हें करोगे तुमने करो इंशाल्लाह बाबू उन्हें ब्याह करो तो 2,00,000 उखा मिले तुमने नहीं करो 1,00,000 काहे के तुम काहे के खा रहे 1,00,000 जो नहीं पूछे तुमने काहे के ले रहे तुम सर हमने कही थी कि 1,00,000 रुपये सर आपको काहे के तो बोले के तुमको हराम के रुपये मिलते हैं इससे हमको भी चाहिए जबकि मुसलमान हराम को खाते नहीं है जो नहीं कहते मुसलमान हराम जो नहीं सर हमने कही है जो है भैया हाल कुल मिला के मामला वही है रिश्वत खोरी को जहाँ रिश्वत न दे वही जनता की काम रुक जाए पैसा ले लेते हैं भाई साहब वो कहते हैं कि हम पैसा नहीं लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं और दूसरे से कह देते हैं हमने पैसे नहीं ले हैं
पैसा भी ले लेते हैं, कह देते हैं हमने दूसरे से कह देते हैं हमने पैसा नहीं ले, देखो जो है फोटो कॉपी देख लो। जो भैया सब जगह मचो, यही हाल है जनता को। और यही उम्मीद करी जा सकत कभी चीजन में सुधार आए नए कलेक्टर के आवे से, उम्मीद यही है जनता का। फिर हम कोनो खबर लेके भैया आप लोगन के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने सब जन का हमारी जान रहा।